हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग बेल्टों के कर्मी हैं या फिर संविदा कर्मी हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ों पर, ठीक है। पहला, बेल्टॉन डीओ पास आउट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, और दूसरा, अगर आप संविदा कर्मी या बेल्टॉन के कर्मी हैं तो उर्मिला प्राइवेट लिमिटेड नाम तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो उर्मिला के बारे में आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उर्मिला क्या है, उर्मिला प्राइवेट लिमिटेड क्या काम करती है, उर्मिला प्राइवेट क्या आप लोगों को जॉब भी देती है। तो चलिए हम लोग उर्मिला प्राइवेट लिमिटेड के बात कर लेते हैं। पहले उर्मिला क्या है। उर्मिला एक प्राइवेट लिमिटेड है जो जॉब भी देती है, ठीक है, जो कभी भी आपका जॉब समाप्त कर सकती है, यानी कि समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास एक लेटर है जिसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस लेटर को देख सकते हैं, ये लेटर है स्वास्थ्य विभाग जिला स्वास्थ्य समिति मेघापुर के लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, ठीक है, और यहाँ पे सेवा में है उपन्यायाधीश सदर अस्पताल मेघापुरा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ठीक है। तो यहाँ विषय में क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं संजीवनी कार्यक्रम एवं रोगी कल्याण समिति के तहत प्रतिनियोजित कार्यपालक सहायक को जिला स्वास्थ्य समिति मेघापुर से सेवा मुक्त करने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स उपयुक्त विषय प्रशासनिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि जिला स्वास्थ्य समिति मेघापुर के अंतर्गत जिला से लेकर आंतरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक संजीवनी कार्यक्रम एवं दवा वितरण कार्य तथा रोगी कल्याण समिति के तहत कुल 44 कार्यपालक सहायकों की यहां पे नियुक्ति की गई थी, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना पतंग इतना दिनांक इतना के द्वारा संजीवनी कार्यक्रम के अंतर्गत रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कार्यरत कार्यपालक सहायक के स्थान पर राज्य स्तर से चयनित उर्मिला सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कार्यपालक जो पहले कार्यरत थे उन लोगों को हटा के यहां पे उर्मिला से डाटा एंट्री ऑपरेटर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके अनुसार DMU की स्थापना हुई, अविलंब कार्य आरंभ करने हेतु निर्देश दिया गया। यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा निर्देशित है कि संजीवनी कार्यक्रम एजेंसी का भुगतान राज्य स्तर के केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अतः संबंधित को एक माह के अंतरिम सूचना के अर्थात 10/1/2022 से अथवा उक्त तिथि के बाद उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जो ऑपरेटर यहाँ पे नियुक्त कराए गए थे उनमें जो भी पहले हो तिथि से जिला से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक संजीवनी कार्यक्रम एवं रोगी कल्याण समिति के तहत कार्यरत सभी कार्यपालक सहायक को जिला स्वास्थ्य समिति से सेवा मुक्त किया जाता है, ठीक है। साथ ही इनको आदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र की तामील किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो उर्मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2020 को कुछ ऑपरेटर यहाँ पे रखे गए थे और 2022 को यहाँ पे 10/1/2022 को यहाँ पे सभी का जो है सेवा मुक्त किया गया। यहाँ पे डायरेक्ट जो है सेवा मुक्त किया जाता है फ्रेंड्स, सेवा वापस या समय सेवा समाप्त वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सेवा मुक्त किया। सेवा मुक्त का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको हमेशा के लिए यहाँ पे
कार्य से मुक्ति आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप उर्मिला के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसके चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। ठीक है, उर्मिला क्या करती है फ्रेंड्स, उर्मिला एग्जाम नहीं लेती, उर्मिला में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, उसमें कुछ पैसे देकर आपको यहाँ पे जॉब दे देती है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मेरे हाल ही में एक फ्रेंड है जिसका उर्मिला में हुआ है। उर्मिला खासकर स्वास्थ्य विभाग में देती है सिर्फ। ठीक है, और वहाँ पे उन लोगों का सैलरी जो है 9,000 लगभग के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है फ्रेंड्स, आपको कभी भी यहाँ पे कार्य मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि उर्मिला के चक्कर में नहीं पड़े। ठीक है, अगर आपको डाटा ऑपरेटर बनना है तो पूरे बिहार में एकमात्र बेल्टन है जो आपको यहाँ पे डाटा ऑपरेटर बना सकती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बेल्टन की जो न्यू वैकेंसी आ रही है सभी पंचायतों में 8,067, उस पर आप लोग दिमाग लगाए, बेल्टन के एग्जाम की तैयारी में लग जाए। ठीक है, बहुत ही जल्दी न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स हम लोग बात कर ले कि बेल्टन पास आउट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइनिंग में टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे जो है LRC के 534 जो यहाँ पे कुछ दिन पहले लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था, उन लोगों का जो है अदर डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया था, जिसके कारण उन लोगों को मानदेय टाइम पर नहीं मिल रहा है और उन लोगों को कठिनाई हो रही है रहने में खाने पीने में। तो LRC ने वेटरन को कहा है कि सभी डाटा ऑपरेटर को यहाँ पे फिर से होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। ठीक है, तो सभी डाटा ऑपरेटर का यहाँ पे जो है डाटा एकत्रित किया जा रहा है, उसके बाद सभी लोगों को सबसे पहले यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसका कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद न्यू लोगों को भी ज्वाइनिंग मिलेगा जो 1,068 वैकेंसी बैलरों के पास जा चुकी है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। ठीक है, अगर आपको इसी तरह की अपडेट्स बेल्टन से रिलेटेड रोजाना मिलती रहे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।